हाँ बच्चों, तो अपन चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का टॉपिक क्या है पहले उसको समझो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है चार्ज इधर उधर जा रहा है तो वो किस तरीके से जा रहा है, अब कब जाएगा, और एक और बात, लॉस ऑफ एनर्जी। जब चार्ज इधर से इधर जाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कितनी होगी। दो बात समझे, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज का जाना, इसको क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और जब वो चार्ज जाता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर तो क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। कब जाएगा, जब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर, जब हम चार्ज कंडक्टर को किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने डायग्राम बनाए हैं, पहले डायग्राम को समझो। बिफोर कॉम्बिनेशन या बिफोर कनेक्शन, आपने अभी देखो कनेक्शन नहीं किया तो अलग अलग हैं ये दोनों, कंडक्टर ए कंडक्टर बी। इनके लिए हम 4 क्वांटिटीज की बात करेंगे, क्यू वी सी आर, आप इसको रट लेना, क्यू वी सी आर। तो क्यू मतलब ए कंडक्टर का चार्ज कितना है इस कंडक्टर पर, A1। यहाँ चार्ज हम बना सकते हैं, ये चार्ज हो गया, बाहर ही आता है कंडक्टर पर चार्ज, बी पर भी चार्ज बना देना, ये बी पर चार्ज हो गया। तो ए पर कितना चार्ज है, क्यू वन, ए का पोटेंशियल कितना है, वी वन। कैपेसिटेंस कितनी है ए की, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस सी वन, इसकी रेडियस कितनी है, आर वन। ऐसे ये सारी चारों क्वांटिटी क्यू वी सी आर, इसके बी के लिए है क्यू टू वी टू सी टू आर टू, और वी वन ग्रेटर देन वी टू है, ये हमने मान लिया। सपोज ये सपोज किया गया है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है, वी वन ग्रेटर देन वी टू है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस वाले में देखो, आफ्टर कनेक्शन, अब हमने इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करते ही क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। देख रहे हो आप, चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ध्यान रखना, चार्ज का फ्लो हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल होता है। तो ये हाई पोटेंशियल पर था, ये लो पर था, ऐसे फ्लो होने लगा चार्ज। और कब तक चार्ज फ्लो होता है, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो लास्ट में चार्ज का फ्लो बंद हो गया, कब बंद हो गया, जब इसका पोटेंशियल भी वी हो गया और इसका पोटेंशियल भी वी हो गया। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, चार्ज का फ्लो होता रहेगा। समझ गए, तो जैसे ही हमने कनेक्शन किया, क्या हुआ, चार्ज का फ्लो हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल दोनों के अलग अलग थे, जिसका ज्यादा पोटेंशियल था वहां से चार्ज कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। अब दोनों के सेम हो गए, चार्ज का फ्लो बंद हो गया, इस सेम पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। इनका जो सेम पोटेंशियल है, इसी को क्या कहते हैं हम, कॉमन पोटेंशियल। और बाकी चार्ज अलग अलग हो गया, पहले कितना था, Q1 Q2, अब जब चार्ज थोड़ा बहुत इधर उधर, चार्ज इक्वल नहीं होगा, ये मत सोचना, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, चार्ज अलग हो जाएगा। पहले Q1 Q2 था, अब क्या हो जाएगा, Q1 डैश और Q2 डैश, क्योंकि इसने अपना थोड़ा सा चार्ज इसको दे दिया है। तो Q1 डैश और Q2 डैश इस कंडीशन में चार्ज हो जाएंगे। कैपेसिटी कभी चेंज नहीं होती, यहां पर भी C1 C2 थी, यहां पर भी C1 C2, रेडियस कभी चेंज नहीं होती, R1 R2 R1 R2। तो दो क्वांटिटी चेंज नहीं होंगी, Q1 और Q2 की जगह Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा V। अब हमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले यही कॉमन पोटेंशियल कितना है V, इसका फॉर्मूला फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन पोटेंशियल। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं बिफोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से पहले चार्ज ऑफ ए स्फीयर, ए स्फीयर का चार्ज, फॉर्मूला जो यूज में लेंगे पहले वाले में, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सबको पता है फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो पहले का चार्ज क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड चार्ज ऑफ बी कैपेसिटर, बी का कितना होगा, बी स्फीयर, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। इसके पास चार्ज है Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और इसके पास है Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो टोटल चार्ज कॉम्बिनेशन से पहले, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दोनों को ऐड कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा दोनों का, तो Q1 आ गया C1 V1 प्लस C2 V2। दिस इज द चार्ज
बिफोर कनेक्शन, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, इसका चार्ज निकाला पहले, सिंपल है, क्यू इज इक्वल टू सी वी का यूज हो रहा है, तो इसका चार्ज क्या होगा, क्यू वन इज इक्वल टू सी वन वी वन, इस पर चार्ज कितना होगा, क्यू टू इज इक्वल टू सी टू वी टू, तो बिफोर कनेक्शन दोनों पर टोटल चार्ज कितना हो गया, q इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, क्यू वन को क्या लिख दिया सी वन वी वन, क्यू टू को क्या लिख दिया सी टू वी टू। अब हम बात करते हैं आफ्टर कनेक्शन, अब हमने कनेक्शन कर दिया कनेक्टिंग वायर से, या आफ्टर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो, चार्ज ऑफ ए स्फीयर, अब ए स्फीयर का चार्ज कितना हो गया, इधर आ जाओ इस वाले डायग्राम पर, क्यू वन डैश हो गया, क्यू वन डैश कितना आ जाएगा सी वन वी आएगा, सी वन वी इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है, क्यू वन डैश इज इक्वल टू सी वन वी, एंड चार्ज ऑफ बी स्फीयर, बी स्फीयर का चार्ज कितना आ जाएगा क्यू टू डैश इज इक्वल टू सी टू वी, ठीक है, क्यू टू डैश इज इक्वल टू सी टू वी, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश, तो टोटल चार्ज अगर हम यहां पर देखें तो क्यू इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी, सी वन वी प्लस सी टू वी, वी कॉमन आ जाएगा सी वन प्लस सी टू। तो एक तो हमने टोटल चार्ज निकाला कनेक्शन से पहले, एक टोटल चार्ज निकाला कनेक्शन के बाद। अब ये देखो इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ये भी टोटल चार्ज की इक्वेशन, ये भी टोटल चार्ज की इक्वेशन, टोटल चार्ज, चार्ज तो कंजर्वेटिव है, तो चार्ज जितना यहां था उतना ही यहां है, बस हुआ क्या, थोड़ा सा चार्ज यहां से निकल के यहां पहुंच गया, पहुंच जान दो, पर टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को, क्योंकि ये टोटल चार्ज है तो दोनों को इक्वल कर देंगे आर एच एस को, तो इसका आर एच एस ये है और इसका आर एच एस ये है, इसको इक्वल कर दिया। तो इक्वल करने के बाद अब हम यहां से कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल, कितना इजीली निकल गया इक्वेशन नंबर थ्री। तो बिल्कुल एक फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी ये पूरा डेरिवेशन करके दे देगा, केवल एक फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो पहले इनिशियल निकाल लो चार्ज, फिर फाइनल निकाल लो, दोनों को इक्वल कर दो, और दोनों को इक्वल करके कॉमन पोटेंशियल आप आराम से फाइंड कर सकते हो। हो गया फाइंड, कॉमन पोटेंशियल का काम हमारा खत्म। अब हम एनर्जी लॉस निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस के बारे में थोड़ा समझो, क्या है एनर्जी लॉस और एनर्जी लॉस होती ही क्यों है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि आ चुका है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। अब एनर्जी लॉस क्या होता है, जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं, यहां पर चार्ज बना लेना, थोड़े से चार्ज बनाना जरूरी है डायग्राम में, चार्ज डायग्राम में चार्ज जरूर बना लेना। अब जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है ए से बी की तरफ, और वो फ्लो किससे हो रहा है, इस वायर से। इस वायर का होता है रेजिस्टेंस, हर वायर में रेजिस्टेंस होता है, तो चार्ज फ्लो जब होता है तो अपनी एनर्जी को ड्रॉप कर देता है यहां पर, और एनर्जी उसकी कम हो जाती है। चार्ज में देखो पोटेंशियल तो सेम हो गया, चार्ज जितना यहां था उतना यहां था, लेकिन एनर्जी यहां पर ज्यादा थी दोनों की मिला के, यहां पर एनर्जी का लॉस इस वायर पर हुआ और वो हीट में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। तो जब चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो होगा तो ये वायर का एक रेजिस्टेंस होगा, उस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगी और वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें यही पढ़ना है कि कितना एनर्जी लॉस इस कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले अब मैं जैसे Q इज इक्वल टू सी वी का यूज करा था, अब मैं करूंगा U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर का यूज। इस पूरे डेरिवेशन में दो ही फॉर्मूले यूज में आएंगे, कॉमन पोटेंशियल निकालते समय Q इज इक्वल टू सी वी, एनर्जी निकालते समय U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब सबसे पहले बिफोर कनेक्शन, सबसे पहले जो आपने कनेक्शन नहीं किया
उसके पहले की बात करो, इसकी एनर्जी निकालो, एनर्जी ऑफ स्फीयर ए, और फॉर्मूला ये है ही आपके पास, यू ए मान ले इसको, तो कितना आएगा, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, एंड एनर्जी देखो हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, इसके पास जो क्वांटिटी है उन्हीं का यूज करना है, फॉर्मूला तो ये लगेगा पर क्वांटिटी ए की आ जाएगी, तो ये ए की एनर्जी आ जाएगी, एंड एनर्जी ऑफ स्फीयर बी, स्फीयर बी की देखें, यू बी इज इक्वल टू यू बी, इसकी हाफ हाफ आएगा ही आएगा, सी सी की जगह इसकी कैपेसिटी आएगी सी टू, पोटेंशियल भी इसका आएगा वी टू स्क्वायर, तो बिफोर कनेक्शन टोटल एनर्जी इन दोनों की मिला के कितनी थी, टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू यू ए प्लस यू बी, तो यू ए कितना है, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, हाफ कॉमन आ जाएगा, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर वन। बोलो कोई दिक्कत आई, केवल हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, इधर एनर्जी निकाली इधर एनर्जी निकाली, दोनों को एड करके टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन निकाल ली, तो बिफोर कनेक्शन हमारे पास एनर्जी आ चुकी है। अब हम बात करेंगे आफ्टर कनेक्शन क्या होती है, इस एनर्जी को मैं यहां लिख देता हूं, यू इज इक्वल टू हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर, इतनी हमारे पास बिफोर में आगे बी लिख देता हूं मैं, बी मतलब बिफोर, बिफोर कनेक्शन में इतनी एनर्जी आ चुकी है। अब हम बात करेंगे आफ्टर कनेक्शन, इसी में चेंज कर देते हैं, आफ्टर कनेक्शन क्या होता है, एनर्जी ऑफ स्फीयर ए, अब इसकी एनर्जी कितनी होगी इसी फॉर्मूले से बताओ, अब यू ए तो नहीं होगी क्योंकि चेंज हो गई क्वांटिटी, तो यू ए डैश हो जाएगी, अब यू ए नहीं होगी, वो तो इसकी थी, इसकी थोड़ी होगी, इसकी थोड़ी एनर्जी चेंज हो गई क्योंकि चार्ज का फ्लो हो गया और पोटेंशियल बदल गया, पोटेंशियल बदलेगा तो एनर्जी भी बदलेगी, तो इसकी एनर्जी हो गई अब यू ए डैश, फॉर्मूला वन अपॉन टू आएगा ही आएगा, सी वन आएगा ही आएगा, लेकिन V1 की जगह V हो चुका है इसका पोटेंशियल, तो अब आ जाएगा V स्क्वायर, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 1.2 C1 V स्क्वायर, उसकी कितनी हो जाएगी आफ्टर कनेक्शन, UB डैश हाफ C2 V स्क्वायर, और टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन U डैश, ये भी चेंज हो जाएगी क्योंकि लॉस हो गया ना एनर्जी का, तो एनर्जी एक जैसी नहीं रहेगी, U डैश यू ए डैश यू बी डैश, और ये यू डैश, ये यू ए डैश का वैल्यू और ये यू बी डैश, इसमें केवल पोटेंशियल को सेम करना होता है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है। अब हमें यहां पर यू डैश मिल जाएगा आफ्टर कनेक्शन, इतनी एनर्जी हो गई हाफ सी वन प्लस सी टू वी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई है, यू डैश आफ्टर ए लिख देता हूं मैं, आफ्टर यू डैश हाफ सी वन प्लस सी टू वी स्क्वायर, क्लियर है, एक ही फॉर्मूले से सब काम हो गया, पहले भी एक से हो गया था क्यू इज इक्वल टू सी वी से, अब किससे हो गया, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर से। अब हमें बच्चों निकालना क्या था, एनर्जी लॉस, क्या निकालना था, एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस का क्या मतलब है, मतलब एनर्जी कम हो गई, एनर्जी लॉस मतलब डेली यू, और एनर्जी लॉस हो गई यानी कम हो गई, कम हो गई यानी इसकी ज्यादा थी, ये बिफोर वाली ज्यादा थी और आफ्टर वाली कम हो गई क्योंकि वो हीट में कन्वर्ट हो गई थोड़ी सी, तो डेली यू का मतलब निकालने के लिए इसमें से बड़े वाले में से छोटे को यू इज ग्रेटर देन यू डैश है, यहां पर ये वाली एनर्जी ज्यादा है इनकी और इनकी कम है क्योंकि एनर्जी का लॉस हो गया है, तो बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी को माइनस कर देंगे और हमारे पास एनर्जी लॉस आ जाएगा, तो डेल यू इज इक्वल टू बड़ी एनर्जी कौन सी है, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर, और माइनस छोटी एनर्जी कौन सी है, हाफ सी वन प्लस सी टू वी स्क्वायर, तो ये जो यू ग्रेटर था उसमें से जो यू डैश स्मॉलर था उसको माइनस कर दिया। अब यहां से हम पोटेंशियल V हमारे पास है, इसकी वैल्यू और डाल देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ V
तो क्या आ जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ सी वन प्लस सी टू। और अब मैं जा रहा हूं सब कुछ फ्री करने, क्योंकि सबका काम कंप्लीट हो चुका है। v की वैल्यू डालनी है बस हम मुझे, और फाइनल फॉर्मूला लिखना है। ये देखो, अब यहां पर आ रही है v की वैल्यू c1 v1 वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर। अब ये आपका काम है इसको सॉल्व करना, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप चाहो तो आप भी मत करना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन फिर बड़ा हो जाता है, बुक में भी नहीं है, चार पांच छह लाइनें और बढ़ जाएंगी। आप कर लेना a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देना, एक सी वन प्लस सी टू से एक सी वन प्लस सी टू कट कर देना और आराम से इसको सॉल्व करना, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना। फाइनल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ क्या आएगा। देखो u का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर। अभी भी हमें यही ध्यान रखना है, जब हम फाइनल फॉर्मूले को डायरेक्ट रखने वाले हैं तो भी हमें इसी का ध्यान में रखना है। ऐसा ही आएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला, यू की जगह तो आएगा डेल यू वन, क्योंकि डेल यू मतलब एनर्जी लॉस, वन अपॉन टू आएगा वन अपॉन टू। अब ये जो सी है ये सी नहीं आएगा, अब हमने दो कैपेसिटर सी वन और सी टू के ऐसे कनेक्ट कर दिए थे दोनों। इसकी कैपेसिटी कितनी थी सी वन, इसकी कैपेसिटी कितनी थी सी टू, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। तो अब यहां C की जगह इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी। तो C यहां कब आता है, जब एक कैपेसिटर हो एक कंडक्टर हो तो C, पर दो सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों की इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट मैंने आपको दो की निकाल के बताई है, C1 into C2 upon C1 plus C2। अब यहां V, V अकेला एक होता तो V आता दो है, इसका V1 है और इसका V2 है, और V1 greater than V2 है। एक कैपेसिटर का V1 पोटेंशियल था, एक का V2 था, तो यहां पर V ना आके अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारा पूरा ओवरऑल फॉर्मूला एनर्जी लॉस का। तो एनर्जी लॉस के फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले के रूप में बनाना है, 1 अपॉन 2 लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कई बच्चे सॉल्यूशन में गलती करेंगे तो ये फॉर्मूला भी गलत आएगा। आप इसे डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से लर्न कर सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, सी की जगह दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी, वो भी किसमें, सीरीज में, यही होती है दो की, सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, और वी की जगह दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। काम आपका कंप्लीट, कॉमन पोटेंशियल भी हो गया और आपकी एनर्जी लॉस भी आ गई। अगले वीडियो में भी इसी का एक टॉपिक मैं आपको और बताऊंगा, डेल वी वन अपॉन डेल वी टू निकालेंगे अपन, वो भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। फिर ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा और फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, फिफ्थ चैप्टर पर। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लो।